जस्ट एक मिनट. सो कॉम जेलीज लुक लाइक दिस बिकॉज दीज आर जेली लाइक सो वी कैन टेल देम सी वॉलनट्स. क्योंकि ये जेली लाइक स्ट्रक्चर हैं इसलिए इनको सी वॉलनट्स कहते हैं. यू कैन सी दैट इट इज सी वॉलनट. ऑल्सो वी हैव सीन दैट bioluminescence in sea water. So we have also seen that sea water looks like it shines during night. Why it shines during night? So it is due to tinophora. तो टीनोफोरा की वजह से देयर इज ए शाइन. सो हियर इट इज शोन. नाउ फ्लैटी हेलमेंथीज इज अवर फोर्थ. तो पहले हमने कौन सा देख लिया बताओ? पॉरी फेरा दैट इज पोरस होते हैं इसलिए इनको क्या कहा गया? पॉरीफेरा. दूसरा कौन सा देखा? क्या सीलेंटरेटा? सो सीलेंटरेटा इसका मतलब क्या होता है कि सैक लाइक. और इसका दूसरा नाम क्या बताया? नीडेरिया. सो नाइफ लाइक अपेंडेजेस. Knife-like appendages भी होते हैं. और तीसरी क्या बात बताई? टीनोफोरा. तो कॉम्ब प्लस जेलीज. इतनी बात समझ में आ गई कि कॉम्ब जेलीज. सो वी हैव सीन Now we have seen just hold take तो तीन चीज़ें हमने देख ली. एक है कि पॉरीफेरा देख लिया है. दूसरा So three of the kingdom we have seen. One is Porifera, other is
Coelenterata, and third one is Chenophora. Fourth phylum, which is the fourth phylum? That is Platyhelminthes. Platy और Helminthes, these are different words. Platy का मतलब होता है flat और plus worm. जो फ्लैट वॉर्म होंगे उनको Platyhelminthes कहा जाएगा. सो इसका मतलब होता है कि पहली बात तो ये इनमें अब टिश्यू लेवल से ऊपर का सिस्टम होगा, तो Platyhelminthes में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम भी किसी में हो सकता है. सो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, यानी इनका जो पीठ होता है, वेंट्रल का मतलब आगे का हिस्सा. सो डॉर्सो वेंट्रली वेंट्रली फ्लैटेंड. अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई थी कि डॉर्सल या वेंट्रल हम किसी को कह पाते, लेकिन अब कह पा रहे हैं. So that is back plus front. Totally ये flat होते हैं. Okay. That's why they are known as flat worm. इसलिए इनको flat worm भी कहते हैं. ठीक है. Bilateral symmetry is found. So bilateral symmetry is found. ये जैसे अगर हम लोगों ने देखा हो तो ये प्लेन एरिया है जिसमें प्रिमिटिव वाइज होती हैं. तो प्लेन एरिया में एक होता है कि रीजनरेशन की हाई कैपेसिटी होती है, तो इसमें दो आंखें होती हैं. तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये बीच से ऐसे कट सकता है कि नहीं? तो इसमें कौन सी सिमेट्री है? बाइलेटरल सिमेट्री फाउंड. इसी तरीके से लीवर फ्लूक, तो लीवर फ्लूक में भी हम देखेंगे तो लीवर फ्लूक बिल्कुल चपटा सा होगा और इस तरीके से होगा, चपटा है. और ये हमारे इंटेस्टाइन में होगा. ये सब पैरासाइटिक होते हैं, बहुत थोड़े से वाटर में होते हैं, अदरवाइज ये पैरासाइटिक होते हैं. तो ये लीवर फ्लूक में भी ऐसे, ये चपटा सा, ये फ्लैट है, कोई राउंड नहीं है. ठीक है. और अगर आप टेप वाम देखेंगे तो टेप वाम भी बहुत लंबा टेप जैसा होगा, और इट इज़ टेप वाम. ये 40 मीटर लंबा टेप हो सकता है. तो ये टेप वाम भी ऐसे हमारी बॉडी में होगा. अच्छा, और क्या चीज़ है इसमें? हमने देख लिया कि प्लेन एरिया है, लीवर फ्लूक. ठीक है. फ्लूक लीवर फ्लूक है तो लीवर में पाया जाता है. ये इंटेस्टाइन में, ये चीज़ इंटेस्टाइन में पाई जाती है. हमारे सब पैरासाइटिक होते हैं. सो दिस इज फ्लैट वॉर्म. सो फाउंड इन इंटेस्टाइन. ये फ्री वाटर में, पानी में पाया जाता है. और इन लीवर, लीवर में भी पाया जाता है, टारगेट ऑर्गन और इंटेस्टाइन में भी है. सो दीज आर पैरासाइटिक. इसके अलावा भी जो Platyhelminthes हैं, सो और भी हो सकते हैं. जैसे सी फ्लैट फॉर्म है तो वो भी इसी तरीके से होता है, वो सी में पाया जाता है. एंड नाउ Platyhelminthes में सीलोम नहीं रहेगा, इनका गट को अलग नहीं किया जा सकता है. और दीज आर ऑल्सो डाइप्लोब्लास्टिक, यानी टू स्किन लेयर होते हैं. तो डाइप्लोब्लास्टिक लाइक प्रीवियस फाइलम्स, प्रीवियस फाइलम्स की तरह डाइप्लोब्लास्टिक है. गट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉडी. गट होता है लेकिन गट कैन
not be separated from body. अच्छा और क्या क्या चीज़ होगी? bilateral symmetric है, सीलोम इसमें absent है, diploblastic का मतलब क्या है कि hence सीलोम क्या है absent है और diploblastic का मतलब अभी भी इसमें mesoglia ही है, ठीक है. सो जस्ट एक मिनट. Platyhelminthes are triploblastic. According to projects.ncsu.edu, Platyhelminthes. हाँ तो इसमें क्या होता है कि triploblastic हैं. Triploblastic हैं लेकिन गट अलग नहीं किया जा सकता है. Triploblastic हैं. Triploblastic हैं, ठीक है. Unlike previous phylums. क्योंकि अनलाइक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो प्रीवियस फाइलम्स हैं वो कैसे थे? दोज वर डाइप्लोब्लास्टिक. वो कैसे थे? वो डाइप्लोब्लास्टिक और ये कैसा है? ट्राइप्लोब्लास्टिक है. अच्छा नहीं सेपरेट किया जा सकता है, हैंस इसलिए ये जो भी चीज़ें होती हैं कि मीजोडर्म इज अटैच्ड टू एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म. बीच वाली जो त्वचा होगी मीजो डर्म एंडो डर्म एंड एक्टोडर्म आर अटैच्ड विद ईच अदर विद ईच अदर. एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ऐसी बात होती है. इसके अलावा इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम अभी भी इनकम्प्लीट है. इसका क्या मतलब है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब है? माउथ एंड एनस इज सेम. माउथ एंड एनस इज सेम. तो जो गट है वो कैसा है? वो क्लोज्ड गट है कि ओपन गट है, बताओ. जैसे हाइड्रा में आपने देखा था तो क्लोज्ड गट है. तो अगर गट में माउथ एंड एनस एक ही हुआ तो ये क्लोज है ना. एनस यहाँ खुल गया तो फिर ओपन गट है. लेकिन अगर यही माउथ है और यही क्या है एनस है तो इस गट को क्या कहेंगे बताइए. हम लोगों में ओपन गट सिस्टम है, इनमें क्लोज्ड गट. बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो ये सब क्लोज्ड गट वाले हैं. इसके अलावा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब की बात अभी की नहीं जा सकती है. बाकी सीलोम एब्सेंट है. सीलोम तो हम लोगों ने देख लिया है कि सीलोम इज एब्सेंट. बॉडी कैविटी ये सारी चीजें हैं. इसके अलावा और देख लें कि प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है और कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं. हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म. ये जगह जगह अपने आप को चिपका के रखते हैं. तो इनमें हुक्स एंड सकर्स होते हैं जो ये काम करते हैं. नाउ दीज आर पैरासाइटिक होते हैं और अटैच्ड इंटरनली टू होस्ट बाई हुक्स प्रेजेंट इन इट. इनमें हुक्स होगा
हुक्स प्रेजेंट इन इट, तो ऐसे होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज सेल कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसमें जो भी चीज़ होती है बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का या किसी भी चीज़ का जो रेगुलेशन है वो ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि वाटर कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से जो होता हो उसकी वजह से इनमें हर चीज़ होती है। सो इसका मतलब है फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, यानी द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज मेंटेन्ड विद इन सेल बाय ऑस्मोसिस, उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, तो ये मोनो एशियस होते हैं या हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। और ये जो भी होते हैं इनमें क्या होता है कि मतलब डायाथर्मस, तो ये पॉइकिलोथर्मस होते हैं, ये सभी जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड हैं। एक होता है डायाथर्मस, हम सब डायाथर्मस हैं, यानी कि हम लोगों में क्या है कि होमियोथर्मस है, एक ही टेम्परेचर है। दूसरा होता है पॉइकिलोथर्मस, तो यहाँ से अभी बहुत आगे तक जाएंगे, कॉर्डेटा तक जाएंगे, वो सब पॉइकिलोथर्मस है, यानी बाहर का जैसा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वैसे ही इनके भी टेम्परेचर होते हैं, बॉडी टेम्परेचर। ये वार्म ब्लडेड तो है नहीं, अभी तो ब्लड भी इनमें नहीं आया है। कॉकरोच में वाइट ब्लड होता है, उसके बाद आएगा ब्लड रेड ब्लड। तो इसके बाद भी यानी इन सब का जो टेम्परेचर होगा तो जो बाहर एटमॉस्फेयर है या हैबिटेट है उसी के तरीके से होगा, बॉडी टेम्परेचर वेरियस वेरी करता रहेगा। तो आगे चल के हम देखेंगे दीज आर सब कोल्ड ब्लडेड होंगे या पॉइकिलोथर्मस। अभी तो इनमें धीरे धीरे टिश्यू लेवल है, अभी तो ब्लड डेवलप ही नहीं हुआ है। नाउ एनिमल किंगडम वीडियो एल्बम जायसवाल क्लासेस। तो अब हम देखेंगे कि प्लेटी हेलमेंथीज किस तरीके से होते हैं। देखो ये तो देख लिया था, हियर वी आर सीइंग नाउ फोर्थ फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज। These are also known as platyca, means flat worm. So these are flat worms, platyhelminthes. Tapeworm, liver fluke, these are coming in this. So this is tapeworm. How lengthier it is, you can appreciate. It is 50 meter lengthier or these. These are also known as platyca, means flat worm. So these are flat worms. Platy helminthes, tapeworm, liver fluke, these are coming in this. So this is tapeworm, how lengthier it is, you can appreciate, it is 50 meter lengthier or more. So it is, these are parasitic, these are found in human or any animal gut. So this is tapeworm within our gut. This is the tapeworm which is removed from some patient. It is a ribbon-like structure, that's why it is tapeworm. Platy helminthes is the fourth phylum. So, and the platys means flat. These are flat worms. So, platy helminthes. On the basis of this name, it is done. They are bilaterally symmetrical. Inme bilaterally symmetry hoti hai, triploblastic. तीन लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। सो
लेकिन वो एसीलोमेट तीन लेयर होने पर भी जो बीच वाली लेयर है वो मीजोग्लिया जैसी है, और यहाँ पर भी आप टेप बॉम देख सकते हैं, आईज में टेप बॉम, तो थ्री लेयर है, लेकिन अभी उसमें सीलोम अलग नहीं हुआ है। थ्री लेयर तो है लेकिन गट और स्किन के बीच में कैविटी नहीं है। यहाँ देखिए ये मैरीन फ्लैट बॉम, दिस इज लीवर फ्लू, ये हमारी बॉडी में पाया जाता है, गट में इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। दिस इज अगेन फ्लैट एंड एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेटी हेलमेंथीस, दिस इज फ्लैट वॉर्म अंडर माइक्रोस्कोप, इट इज सो फ्लैट, और इसमें नीचे आप माउथ देख सकते हैं, इट इज ऑल्सो हैविंग नर्व पॉड, दिस इज फ्लैट वॉर्म अंडर माइक्रोस्कोप, इट इज सो फ्लैट, और इसमें नीचे आप माउथ देख सकते हैं, इट इज ऑल्सो हैविंग नर्व पॉड। नर्व कॉर्ड जब किसी बोन से हो जाएगी कवर्ड तब उसे नोटो कॉर्ड कहेंगे, बट इन सब में नर्व कॉर्ड है। प्लेन एरिया इट इज सो प्लेन इन नेचर एंड इट प्रोड्यूसेस बाय रीजनरेशन, इट प्रोड्यूसेस बाय रीजनरेशन। इफ इट इज कट इनटू पीसेस देन ड्यू टू वेरी फास्ट ग्रोथ इट अगेन फॉर्म्स मैनी प्लेन एरिया, तो इट हैज हाई कैपेसिटी ऑफ रिटर्न, इट इज हैविंग प्रिमिटिव, इट इज हैविंग प्रिमिटिव आईज, नाउ इट इज कट इनटू पीसेस, तो ईच पार्ट डेवलप्स इनटू इंडिपेंडेंट प्लेन एरिया एंड विद इन थ्री और फोर डेज, नाउ यू कैन सी आईज आर कमिंग आउट थ्रू इट, सो ईच बॉडी पार्ट डेवलप्स इनटू अ कंप्लीट प्लेन एरिया। They are these platyhelminthes, they do osmoregulation, that means all the acidic level value and the various minerals and water balance takes place by osmoregulation, osmosis से ही अपना सारा काम पूरा करते हैं, mineral का water का balance complete करते हैं, nutrition भी ऐसे लेते हैं। Now, these are parasitic as we have told, or sometimes they are free living. तो कुछ पानी में भी तैरते रहते हैं, जैसे प्लेनेरिया ये पानी में तैरता रहेगा, और कुछ जैसे लिवर फ्लूक है जो भी हमने पीछे देखा, और टेप बॉम है ये हमारी बॉडी में रहते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस एक ही में होते हैं, दैट इज दे आर हर्माफ्रोडाइट, दैट मीन्स दैट आर मोनोएशियस, एक ही में दोनों है, मोनोएशियस, एक में अगर दोनों सेक्स है मेल एंड फीमेल तो उसको कहेंगे मोनोएशियस, और अलग अलग अगर दोनों सेक्स है जैसे हम लोग हैं तो डाइएशियस, तो ये मोनोएशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और लार्वल स्टेज से बढ़ता है। ये प्लेनेरिया आप देख रहे हैं ये किस तरीके से किसी को निगल लिया है, जो सामने दूसरा इंसेक्ट था उसको उसने निगल लिया, एनगल्फ कर लिया। So we have seen planaria that is flat seaworm, these are the example of platyhelminthes. Now we will come to eschehelminthes that is round worm. इतना आपने देख लिया कि हमारे में इसमें क्या है fertilization, अब एक दो और चीज देख लें कि इसमें fertilization किस तरीके से होगा। planaria में तो regeneration हो जाता है लेकिन बाकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड लार्वल स्टेज के थ्रू फिर ये आगे बढ़ता चला जाता है। सो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड इट डेवलप्स थ्रू, जैसे पहले भी है तो छोटा सा एग होगा फिर उससे लार्वा निकलेगा फिर वो धीरे धीरे बढ़ के तब ऐसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा है, इट इज इंटरनल, इंटरनल है तो एग ये क्या होगा इंटरनल, फिर इंटरनल होने से फिर ये ओवी पेरस है छोटे छोटे एग निकालेंगे उससे लार्वा बनेगा, तो फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल है। ओके,
अगर एक दो पास में आएंगे कॉपुलेशन करेंगे कोई भी दो लिवर फ्लूक, तो एक अपना जो स्पर्म है दूसरे में डाल देगा, तो क्योंकि दो हर्माफ्रोडाइट दोनों ही हैं, तो एक एक्ट करेगा मेल की तरह एक फीमेल की तरह, और इस तरीके से काम हो जाएगा। तो इंटरनल है एंड डेवलप थ्रू लार्वल स्टेज, एंड डेवलप थ्रू लार्वल स्टेज। तो इसमें कैसे डेवलपमेंट होगा, थ्रू लार्वल स्टेज। अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो तीन तरीके से देख लिया कि सेलुलर हो सकता था, तो सेलुलर का भी रीज़न देखा, सेलुलर में पॉलीफेरा देखा, फिर उसके बाद कौन सा देखा, टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में दो देख लिए, एक कौन सा देख लिया, दैट इज सिलेंटरेटा, और दूसरा टीनोफोरा, और अभी कौन सा देख रहे हैं, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, उसमें अभी हम पहला देखे हैं। पहला कौन सा देखा है, प्लेटी हेलमिंथीज, और अब देखने जा रहे हैं एस्की एस्केलमेंथीज एस्केलमिंथीज एस्केलमिंथीज क्या है, चार पांच, तो ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया, पांचवा देखने जा रहा है। सो एस्केलमिंथीज, ओके, सो ये कैसा होगा, एस्केलमिंथीज यानी सैक होगा, बॉडी में एक सैक होगा, मिंथीज यानी सैक प्लस वॉर्म, प्लेटीहेलमिंथीज तो वॉर्म हो गया और सैक वॉर्म है, तो इट इज सर्कुलर, तो बॉडी कैसी होगी क्रॉस सेक्शन में, तो कोई भी अगर मान लीजिए ये एस्केरिस ले लें, तो एस्केरिस है और अगर मैं उसका क्रॉस सेक्शन देखूं, तो इसको अगर मैं कट करूं, तो ये कट करने पर सर्कुलर होगा, सो इट इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। ये राउंड वॉर्म भी है, राउंड वॉर्म, तो राउंड वॉर्म है, अगर इसी का मेल होगा तो मेल इससे छोटा होगा और मेल में एक कोशलिया होगा, एक तरफ से रोटेशन होगा, तो मेल छोटा होगा क्योंकि इसके अंदर यूट्रस है, तो यूट्रस होने की वजह से इतना बड़ा यूट्रस है, यूट्रस, सो फीमेल बड़ी है और ये मेल है, मेल राउंड वॉर्म, लेकिन दोनों ही राउंड वॉर्म है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, सो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, तो कुछ इसके एग्जांपल देख लें, कौन कौन से हैं, राउंड वॉर्म हो गया और हुक वॉर्म भी हो सकता है, हुक वॉर्म, जैसे ये हुक होती है ऐसे, तो इस तरीके से होते हैं, ये हमारे पैर में या कहीं पर भी रहेंगे, इसको बूचेरिया कहते हैं, और इससे फाइलेरियासिस हो जाती है, यानी हाथी पांव, पांव फूल जाएगा अगर पैर में रहेंगे, बूचेरिया, हमारी बॉडी में पैरासाइटिक तो हैं ही ये सभी, तो बूचेरिया कॉजेज फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस हाथी पांव। अच्छा, इसके अलावा जो भी है वुचेरिया, वुचेरिया है हुक वॉर्म, वुचेरिया अलग है, और है दैट इज वुचेरिया को फाइलेरियल वॉर्म कहते हैं,
आप ये देख लें, हुक वाम को बुचेरिया नहीं कहते हैं, लेकिन जो भी हुक वाम है उससे क्या हो जाएगा, फाइलेरियासिस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज वुचेरिया। वुचेरिया इज दैट इज फाइलेरियल वॉर्म, इसको एमेंड करते हैं। फाइलेरियल वॉर्म को कहेंगे वुचेरिया और उससे फाइलेरियासिस होगी, इसको ठीक करो। वुचेरिया दैट इज फाइलेरियल वॉर्म, ये है वुचेरिया से जो होगी। वुचेरिया कैसे है, ये हुक वॉर्म है। हुक वॉर्म भी हम लोगों की बॉडी में दिख जाता है, बट इससे कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होती है, रहता है, पैरासाइटिक है। और ये वुचेरिया ऐसे पतला सा रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल पतला सा, बहुत तेज़ी से मोटाई लोगा, छोटा सा, एस्केरिस से काफ़ी छोटा। ये जो राउंड वॉर्म है ना, इससे बहुत छोटा रहेगा, ट्रांसपेरेंट सा, और इससे हाथी पाँव हो जाएगा। और ये हुक वॉर्म है तो ये हमारी बॉडी में कहीं भी रह सकता है, मोस्टली पैर में रहेगा, कहीं पर भी पीठ में रहेगा, तो ये अलग है, लेकिन इसकी वजह से पैर फूल जाते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें देखें, इनका बॉडी किस तरीके का है, राउंड है, और ये कैसे होते हैं, दीज आर पैरासाइटिक, दीज आर पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकते हैं। अच्छा, अभी तक ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हो ही चुके हैं, और इनमें सिमेट्री कैसी है, अगर देखा जाए तो बाइलेटरल सिमेट्री, बीच से इसको कट किया जा सकता है, राउंड वाली नहीं है, सो इट इज़ बाइलेटरली सिमेट्रिकल, इट इज़ ट्राइप्लोब्लास्टिक। ब्लास्ट का मतलब स्किन, सो थ्री लेयर्ड स्किन, ब्लास्ट यानी स्किन, थ्री लेयर्ड स्किन है। कौन कौन सी लेयर्ड होगी बताओ, कौन कौन सी थ्री लेयर होती हैं? दीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक। एम आई ऑडिबल? तो बताओ फिर थ्री लेयर कौन कौन सी हैं? बताओ, तो इतनी देर लगाती हो। सो थ्री लेयर्ड होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, स्यूडो सीलोमेट, यानी ऐसा लगता है जैसे कि वो पिंच ऑफ हो गया, जैसे आपने नहीं देखा था स्यूडो सीलोमेट, उसमें सीलोम अलग हो गया है, लेकिन ये इस तरीके से, ये स्यूडो सीलोमेट है ना, वो अंदर से जुड़ा है ना बाहर से, तो बॉडी कैविटी करके कुछ है नहीं, ठीक है, तो स्यूडो सीलोमेट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडो सीलोमेट ये है, ऐसा होगा। अब देखिए, दीज आर स्यूडो सीलोमेट एंड आल्सो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, यानी माउथ एंड एनस सेपरेट। अच्छा ये बताओ कि इसमें क्लोज्ड गट होगा कि ओपन गट? वेरी गुड। सो ये इसमें एक तरफ माउथ होगा, एक तरफ एनस होगा, तो इनके अंदर का जो गट होगा वो कैसा होगा? माउथ एंड एनस, सो ओपन गट, गट का मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। सो अच्छा, ये अभी सेक्सेस आर सेपरेट,
sexes are separate, यानी diaceous, two houses. Aceous का मतलब होता है houses. So dioecious है, dioecious. स्पेलिंग का जरा ध्यान रखिएगा. Aceous का मतलब होता है हाउस, तो दो हाउस हैं अलग अलग. मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट. अच्छा, इसके अलावा एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर. यानी जितना एक्सक्रीशन है इनमें बॉडी में से निकल जाता है. माल पिजियन ट्यूब होती है जिसकी वजह से बॉडी से ही एक्सक्रीशन होता है. ये नो एनस से ऐसा नहीं है कि अलग से कहीं से हो. तो दे हैव एक्सक्रीटरी ट्यूब्स दैट इज माल पिजियन ट्यूब जिससे उनकी बॉडी में, अभी वीडियो दिखा देंगे. सो इसमें क्या दिखाया गया है कि एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स अभी इनमें नेफ्रॉन डेवलप नहीं हुए हैं. रिमूव बॉडी वेस्ट, बॉडी वेस्ट को वो रिमूव कर देता है. ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, हमने आपको बता दिया क्योंकि उनमें ओवरी होती है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट. तो यानी यंग वंस रिजेंबल द एडल्ट. ऐसा नहीं है लार्वा स्टेज से नहीं है, जब बच्चा पैदा होगा तो वो माँ की तरह लगेगा. तो ऐसी स्थिति में उसको कहते हैं कि डेवलपमेंट इज ऐसा. लार्वा कब कहा जाता है? मेढक में भी लार्वा है मालूम है, फ्रॉग में, क्योंकि वो मिलता ही जुलता नहीं है. फिर लार्वा जब बड़ा होगा तब धीरे धीरे फिर माँ की तरह मिलेगा, अपने पेरेंट्स की तरह. तो जो अपने इतना प्रिमिटिव हो और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो तो उसकी की एम्ब्रियोनिक स्टेज ही में ही वो बस बाहर निकल जाए. जैसे हम लोगों में एम्ब्रियो में अगर निकल जाए बच्चा बाहर तो वो क्या दिखेगा हम लोगों जैसा? बोलो, कुछ नहीं दिखेगा. तो फिर कहेंगे अरे ये तो लार्वा पैदा हो गया. तो लार्वल स्टेज ऐसी होती है जो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल डिफरेंट हो माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से, तो उसको लार्वल स्टेज कहते हैं. फ्रॉग में, जो कि एनिमेलिया का बहुत आगे कॉर्डाटा, वहाँ तक, वहाँ लार्वल है, लार्वल स्टेज. लेकिन यहाँ पे देखो कैसा कह रहा है, पढ़ो लाइन. कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है एंड डेवलपमेंट इज मे बी डायरेक्ट. जो यंग वन है, जो पैदा होता है, वो अपने माँ बाप जैसा लगता है. सो ये बड़ी बात है इस स्टेज पे ये ऐसा कर रहा है. सो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट कैसा होगा? ओवीपेरस तो होंगे, मे बी डायरेक्ट. विवीपेरस हम लोग होते हैं बस, और कोई नहीं, मैमल्स होते हैं. मे बी डायरेक्ट, ठीक है. और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, यानी यंग वन रिजेंबल्स ज़्यादा, और इनडायरेक्ट भी है, किसी किसी में इनडायरेक्ट भी होगा. कह रहा है किसी किसी में लार्वल स्टेज भी होगी. तो तीन आपको नाम बताए. अब जरा इसको पढ़ोगी तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि तीनों क्या क्या काम करते हैं. जरा देखें तो हम लोग एस्केलमेंथीस पढ़ रहे हैं. दिस इज एस्केलमेंथीस का मतलब है राउंड वॉर्म. ये भी पैरासाइटिक है, ये हमारी बॉडी में रहते हैं, जैसे कि बूचेरिया, जिससे कि एलिफेंट की आसिस हो जाता है. एस्केरिस हमारे इंटेस्टाइन में रहता है. और हुक वॉर्म भी हमारी बॉडी में कहीं पर भी रह सकता है. तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फाइलम एस्केलमेंथीस. दिस इज राउंड वॉर्म, जो हमारी इंटेस्टाइन या रेक्टम में रहता है. तो और हमारी बॉडी 3 मंथ्स में एक टेबलेट आती है, तो उस टेबलेट को खाते हैं जिससे कि पेट के राउंड वॉर्म्स निकल जाएं. तो मेडिकल स्टोर में या एयरफोर्स में दी जाती है. द टेबलेट इज यूज टू रिमूव द राउंड वॉर्म फ्रॉम अवर इंटेस्टाइन. अदरवाइज ये क्या इंटेस्ट, अगर आप खाना नहीं मिलेगा तो बहुत तेज किसी को भूख लग रही है या मुंह से लार निकल रही है, थूक निकल रही है, तो उसके पेट में बहुत सारे राउंड वॉर्म हैं. मुंह से अगर सोते समय लार निकल रही है तो समझ लो कि राउंड वॉर्म उसके हैं. आँख खुली रहती है तो समझ लो राउंड वॉर्म उसके अंदर हैं.
तो ये सिम्टम्स होते हैं, तो ऐसे केस में उसको टेबलेट, एल्बेंडाजोल टेबलेट का नाम है, वो दिया जाता है। तो बाय दैट टेबलेट वो जो भी है, थोड़ा कुछ मीठा खाने के बाद उसको खिला दिया जाता है, और वो सुबह फिर जो भी होगा टॉयलेट के साथ डेफिकेशन के साथ ये राउंड वाउंड निकल जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। नाउ लेट अस सी आगे का। से न्यूट्रिशन देता है। दिस इज देखो कितनी बूच तेज एरिया, चल रहा है बूच जिससे एरिया, कि हाथी पांव या पैर फूल जाता है, एलिफेंटियासिस हो कितना जाता है, छोटा पैर है फूल और जाता है। कितना स्विफ्ट है, तेज तेज चल रहा है, दिस इज अगेन ट्रांसपेरेंट है, वन देखो बूच एरिया, फाइलेरियल वॉर्म। यू कैन फाइलेरिया सी से एलिफेंटियासिस हो गया कैसे है बूच पैर एरिया फूल से, जाते हैं बूच पैर एरिया सॉलन हो जाते हैं और काफी मोटे हो जाते हैं। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज हुक वॉर्म से। ये ऑफ हुक द की तरह लग एस्की रहा है, हेलमेंथीस। तो एसकेएल ये देख सकते हैं आप, हुक देखो वॉर्म किस पैर में तरीके से कैसे है, इसमें है। पैर में दिख रहा है तो आपको ये कैसे फिफ्थ फाइलम है जो कि दिख रहा एसकी है, हेलमेंथीस है। यू कैन क्लियरली ये सी देखो हेलमेंथीस। पैर तो में कैसे एसकेएल ये है, देख कितनी सकते हैं आप, तेज हुक चल रहा वॉर्म है किस आपका, तरीके से इसमें है। तो ये फिफ्थ फाइलम है जो कि एसकी हेलमेंथीस है। यू कैन क्लियरली सी दैट हाउ हुक वॉर्म्स लुक लाइक। तो ये बॉडी में रहता है, तो इसका बूच इलाज एरिया करना से पड़ता हाथी है, पांव हो अदरवाइज इट जाता इज है, ए हुक वॉर्म पैरासाइट, से इट हमारी कैन बॉडी डैमेज में अवर रहता बॉडी है। ऑर्गन। नाउ हियर ये राउंड बताओ वॉर्म मेल और एस्केरिस है कि फीमेल, ये बता सकती एस्केल्मिंथीस, हो दे आर मेल एंड फीमेल। मेल में क्वाइट बताओ इसमें। अब जैसे मैंने दो एस्केरिस दिखाए थे आपको, तो इसमें ता तो है एस्केरिस हमारे इंटेस्ट। ये देखो ये है, दिस इज तो अगेन ये तो एंड मैंने द थर्ड दिखा दिया, एग्जांपल इज हुक वॉर्म। थोड़ा छोटा होगा फीमेल, क्योंकि ये उसमें सब ओवरी एस्केरिस होगी तो इस वजह से वो थोड़ा ये बड़ी होगी, किसी फीमेल बड़ी एनिमल से होगी। निकले इतने सारे हुकवा। एंड नाउ नेक्स्ट फाइलम इज एनिलिडा, एन्यूल्स। सो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया, इसके बारे में तो सारी चीजें आपको बता दी। बताओ ये हाथी पांव या एलिफेंटियासिस किससे होता है, बताओ। अब मतलब एलिफेंटियासिस किससे होता है ये बताओ, रूचेरिया से होता है, उसको फाइलेरिया भी कहते हैं और हुकवाम भी। ये सभी के सभी पैरासाइटिक हैं। अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानना है तो पेज नंबर 60 में चली जाइए, और इसमें दिखाया गया है इसमें ऑर्गन सिस्टम है। सो इट हैज़ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम होगा इसमें, ठीक। तो और क्या क्या चीज़ें होंगी, ऑर्गन सिस्टम भी होगा। नाउ ओके, सो इट हैज ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेक करो। और ऑर्गन सिस्टम के अलावा क्या होगा इसमें, बाइलेटरल सिमिट्री होगी, हुकवाम में कैसी सिमिट्री होगी। सो बाइलेटरल सिमेट्री, बाकी सारी चीज़ें हमने लिख दी कि गट कैसा होगा, और ये भी ये स्यूडो सीलोमेट है, ये सभी चीज़ें हमने लिख दी हैं कि स्यूडो सीलोमेट होगा, क्योंकि इसमें तीन लेयर तो होगी बट ट्राइप्लोब्लास्टिक है, बट स्यूडो सीलोमेट सब लिख दिया कि नहीं, पूरा बता दिया है आपको। अब अगला कौन सा फाइलम होगा बताओ, सिक्स्थ कौन सा होगा, बहुत मुश्किल से बोलती हो, सिक्स्थ फाइलम कौन सा होगा बताइए। आवाज नहीं आ रही क्या, एम आई नॉट ऑडिबल, एम आई ऑडिबल। तो सिक्स्थ फाइलम कौन सा है, हाँ बताया करो जब पूछा जाए तो। एनेलिडा, एनेल एनेल
अच्छा, हाँ आवाज़, मैं समझ गया कि आवाज़ ही नहीं आती है, तो फिर हमारी आती रहती है कि नहीं आती है? चलो ठीक है, एनुलस, एनुलिडा का मतलब है एनुलस। एनुलस का मतलब क्या होता है? रिंग। एनुलस का क्या मतलब होता है? रिंग। तो ये इनमें रिंग होता है, और ये पूरी जो बॉडी है मेटामेरिकली सेगमेंटेड, पूरी बॉडी सेगमेंटेड है, मेटामेरिकली यानी एक्सटेंसिवली पूरी बॉडी या कंप्लीटली। बॉडी सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट। ये चीज होती है। बाकी अब इसके आगे अगर आपको मिलेगी रेडियल सिमेट्री तो मुश्किल से बस वही एसटीएल, वो उसमें मिलेगी एकिनो डर्माटा में, स्टार फिश में, जिसमें स्पाइन होते हैं, और उसके पहले अब ये सब बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं। सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो यानी द्विपृष्ठीय सममित होती है इनमें। और क्या होता है जरा चेक करें, बाइलेटरल सिमेट्री का ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होंगे, बताओ इनमें सीलोमेट होंगे क्या? अभी तक तो कोई सीलोमेट नहीं था, इसके पीछे वाला स्यूडो सीलोमेट है। पेज नंबर 60 से देख के बताओ। सीलोमेट हैं कि नहीं है? तीन लेयर तो हैं, और सीलो में हैं। सो इसलिए ये सीलोमेट हैं। तो गट इज सेपरेट फ्रॉम बॉडी, गट इज सेपरेट, उसे अलग किया जा सकता है, सेपरेट फ्रॉम बॉडी। डाइसेक्शन में दिखा देंगे बॉडी। सो सीलोमेट, सीलोमेट होते हैं, गट को सेपरेट किया जा सकता है। और क्या है कि एनुलस हैं, लिटिल रिंग्स होती हैं, सो इसका एनेलिडा नाम है। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन मोशन। तो ये क्या होते हैं? पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट से आगे बढ़ते हैं, सिकुड़ते और फैलते हुए हैं। सो इनमें लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होती हैं। दे हैव जो रिंग है, तो रिंग के लिए सर्कुलर मसल और लेंथ वाइज भी होते हैं। तो लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, ठीक है, फॉर लोकोमोशन। तो वो लोकोमोशन होता है थ्रू पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। सो एक्वेटिक एनेलिड्स भी, इनमें लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, यानी अगर नेरिस देखें, बिच्छू जैसा होता है, ये पानी में रहता है, तो ये इसमें दैट इज स्टिंग होते हैं, और ये नेरिस की बॉडी पूरी सेगमेंटेड होगी, तो ये इस तरीके से होगा। अच्छा, इनमें सेगमेंटेड बॉडी तो पूरी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होगी, और इनमें जो लेग्स होंगे वो पैरापोडिया होता है, यानी सब्सिडियरी लेग्स। ऐसा कुछ नहीं है कि लेग जैसा हो, सब्सिडियरी लेग का मतलब है ज्वाइंट लेग, नहीं है आर्थोपोडा की तरह कि उसमें बेंड हो सके। जैसे आर्थोपोडा में आप देखते हैं ना, उनके पैर बेंड हो जाते हैं ना, ज्वाइंट लेग्स है। आर्थोपोडा जैसे नहीं है कि अब जैसे मान लीजिए स्कॉर्पियन है, तो उसमें स्कॉर्पियन ये आर्थोपोडा में आएगा, तो आर्थोपोडा में हम आगे देखेंगे कि ये बिच्छू है, तो उसके लेग कैसे होंगे? ये एक ऐसे मुड़े होंगे, तो इसको कहते हैं ज्वाइंट अपेंडेजेस, हेक्सापोडिया। और बाकी ये बिच्छू है, ये ऐसे, तो ये इसको कहते हैं ज्वाइंट अपेंडेजेस। तो इसमें एक्चुअल अपेंडेजेस हैं, इसको रियल लेग्स कहेंगे जो मुड़ सकें, बट ऐसा आर्थोपोडा में होगा। और हमारे में जो एनेलिडा है, एने लिडा,
इसमें ये क्या है, नेरिस। सो नेरिस में क्या होगा, इसमें सीडेंट्री लेग्स हैं, मतलब सब्सिडियरी लेग्स हैं, सब्सिडियरी लेग्स। सब्सिडियरी का मतलब है पैरापोडिया, सब्सिडियरी लेग है, और दूसरा कैसा है, पैरापोडिया, यानी एक तरीके से उतने प्रिमिटिव लेग्स हैं, पोडिया, ठीक है ना। प्रिमिटिव लेग्स हैं ये सारी है, और इनमें क्या होता है, ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड फ्लोज इन वेसल्स, क्लोज्ड सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम भी आ गया, अभी तक नहीं था, अब आ गया, देखो, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड फ्लोज इन वेसल। लेकिन अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम इनकम्प्लीट है, मालपिजियन ट्यूब के थ्रू इसमें से एक्सक्रीशन होता है। सो अभी दिखाते हैं आपको। सो इसमें क्या होगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट। अच्छा, नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। हम लोगों में नेफ्रॉन है, इनमें नेफ्रीडिया है, तो ऐसा उसी से, नेफ्रीडिया से ही, नेफ्रीडिया अलग अलग हैं, वो कहीं ग्रुप्ड नहीं है, लेकिन वो स्किन के थ्रू इसमें से सब निकालते हैं, जैसे नहरी से, अर्थवाम से आप देख लेते हैं, सारा उसमें स्किन से ही निकलता है। सो नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया या नेफ्रीडियम हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, ये किसमें मदद करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, जैसा कि हमने बताया, ऑस्मोसिस के थ्रू सारा न्यूट्रिशन हो, वाटर हो, सॉल्ट हो, एंड एक्सक्रीशन। दे फॉर्म मालपिजियन ट्यूब, विच एक्सक्रीट्स वेस्ट। वो वेस्ट कहाँ से निकालेगी, वेस्ट थ्रू स्किन, स्किन से निकालेगी। बाकी गट के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ओपन गट है, अभी सब कुछ हो गया। इसके अलावा न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर गैंग्लिया कनेक्टेड टू लेटरल नर्व्स, इनमें भी नर्व कॉर्ड आ गई है, तो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, अभी नोटो कॉर्ड नहीं है, बोन नहीं आया, तो कैसी होगी बताओ, नर्व कॉर्ड, थोड़ा बहुत ये अब इनमें किसी चीज़ को सेंसेशन करने के लिए आ गया है, नर्व कॉर्ड, या फिर गैंग्लिया इज प्रेजेंट, गैंग्लिया इज प्रेजेंट एट डॉर्सल बॉडी। डॉर्सल का मतलब है कि किसी में भी, चाहे अर्थवॉर्म है तो अर्थवॉर्म इस तरीके से सेगमेंटेड होगा, और इस तरीके से होगा अर्थवॉर्म, तो ये इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अर्थवॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि गैंग्लिया होगा, गैंग्लिया होगा, इसमें नर्व कॉर्ड ऊपर ऊपर होगी, तो किसी भी बॉडी में, जैसे एक अगर आप बॉडी ले लें, ये कोई, तो ऊपर ऊपर जो जाती है वो नर्व कॉर्ड है डॉर्सल साइड में, नर्व कॉर्ड, हमने ब्रेन में दिखाई थी कि नहीं आपको, एक नर्व कॉर्ड सी जाती हुई, बोलो, नर्व कॉर्ड दिखाया था ना। सो नर्व कॉर्ड होगा, और इसमें कनेक्टेड बाई लेटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो नेरिस, ये क्या कह रहा है, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाई लेटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो इसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड बताई गई है कि वेंट्रल नर्व, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है,
तो आप इसमें वेंट्रल में दिखा दें, मोस्टली तो आगे चल के सब में डोर्सल में होती है, बट इसमें दिखाया गया है वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, तो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, इधर की ओर नहीं होगी, डोर्सल साइड में नहीं होगी, यहाँ पे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। अच्छा, ये किस तरीके से होते हैं? दीज आर, ये अर्थ वॉर्म एंड लीचेस आर मोनो एशियस एंड नेरिस इज डाई एशियस। तो ये जो है अर्थ वॉर्म, ये मोनो एशियस है, एक ही में दोनों हैं, यहाँ पर दोनों सेक्स ऑर्गन हैं। तो अर्थ वॉर्म है मोनो एशियस और लिखा हुआ है लीचेस मोनो एशियस हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, ठीक है, बुक में लिखा है कि नहीं सारी बात, और नेरिस कैसा है डाई एशियस। लेट अस सी अबाउट इट कि एनेलिट्स कैसे होते हैं। कई रिंग जैसे स्ट्रक्चर है सेगमेंटेड बॉडी, लेकिन देखो उसमें ओवरी होगी तो इस वजह से वो थोड़ा बड़ी होगी, अब हम फीमेल बड़ी होगी। देखेंगे एंड नाउ नेक्स्ट फाइलम इज एनेलिडा। एन्यूल्स मींस रिंग, एज दे हैव एक्सटेंडेड बॉडी स्ट्रक्चर, वेरी एन्यूल्स। सो कई रिंग जैसे स्ट्रक्चर है सेगमेंटेड बॉडी डिजाइन है, इसलिए इसको एनीलिडा कहा गया। एनीलिडा के कॉमन एग्जांपल्स हैं नेरिस, हियर यू कैन सी दैट एक्सटेंडेड बॉडी सेगमेंटेशन है, तो ये पूरी नेरिस बॉडी है, में सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन दीज आपको दिख सेगमेंट्स रहा है? आर मेटामर्स, इन्हीं को मेटामर्स भी कहते हैं, आर रिंग इन और इनमें स्ट्रक्चर्स। पैरापोडिया सो है, देयर बॉडी में क्लोज्ड स्कॉर्पियन से सर्कुलेटरी इसका सिस्टम लड़ाई होता देखो है, दैट इज नेरिस की। इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट से अगर ब्लड निकल गया तो सारे सेल उसमें बात हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेरिस इसे की कन स्कॉर्पियन से खजूरा लड़ाई भी कहते दिखाई हैं जा क्या रही है। हिंदी में? जानती हो दिस कन इज खजूरा नेरिस, नेरिस हाउ टेकिंग इट्स कैसे खा प्रे लिया इसने मछली को, नेरिस देखा को। आपने? नीच इज अगेन देखा, एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज नेरिस, नेरिस हाउ देखो टेकिंग फिश को इट्स कैसे प्रे खा लिया वेरी नेरिस स्किलफुली। नीच इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर सेगमेंटेड बॉडी डिजाइन। सभी एनिमल्स को लीच को फीमेल ब्लड अलग अलग सकर होते हैं, कहते हैं, वो ब्लड सकर लेता है। सो लीच इज आल्सो नोन एज ब्लड सकर, सो इट कैन सक द ब्लड अप टू ए लार्ज एक्सटेंट। फ्री वाटर फ्लोइंग, तो पानी ये में लीच ये का माउथ रहती है, है देखो कैसे ये फ्रेश ब्लड वाटर, सक करता है, एंड कैसे यू कैन वैक्यूम सी क्रिएट हाउ करता है। देयर इज थ्री ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके का जो स्ट्रक्चर हम बना लोग देगा ये जहाँ इसने सक कहीं पर करती ब्लड है, सक तो वहां किया पर है। एक ट्रायंगल शार्ट ये था, देखो दिस इज द इसने फिलामेंट ऑफ लीच इसका चलने का टेकिंग तरीका देखो पॉइंट ऑफ द सकर एट ऐसे इनसाइड दैट इस सक्शन वैक्यूम ट्यूब इज देयर एंड विद थ्री ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर, इस जहां पर तरीके भी से लीच जहाँ से काटा काटेगा होगा ऐसा ऐसा जो करेगा। Once suctioned into place, the leech species segmented is body also design leech, nerus, in the blood, earthworm, are that examples of slowly suck away phylum Annelida. Nerus are having पैरापोडिया, नेरिस अभी हमने देखा पीछे, तो उसमें पैरापोडिया होता है, तो यहाँ एक दैट ट्रायंगुलर इज मार्क बना देगा। सब्सिडियरी लेग, जिससे कि वो चलने फिरने के काम में करता है, मैनी लेग्स होते हैं उसमें। Now, ये भी this is ब्लड again a सकर blood में sucker रहता है, example. Now, this is earthworm. इसमें बोथ Earthworms सेक्सेस are एक very में है, friendly. These are तो friends इसे क्या to कहेंगे farmers मोनोएशियस। because they make earth porous and the quality of soil is made good by जो them. इनका एक्सक्रीशन है, जो So that soil डेफिकेशन है, can वो उससे अर्थ sustain का for a longer जो है period of क्वालिटी time बढ़ता है, तो and इसलिए makes a ये natural फ्रेंड ecosystem. है। So, टेक्सचर ऑफ whatever सर are को the अच्छा बनाता है। defecation देखो इस पे released by कैसे these चलता है, earthworm is very useful for making the soil's texture किसी good. भी गमले में मिल जाएगा आपका, Annulus structure and घर के how आपके see गमला है their तो movement. अर्थवॉर्म जरूर होगा। So, recoiling their body under peristaltic movement and then ये moving ahead. पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट है इसका, ये कैसे बढ़ते बढ़ते आगे There is बढ़ता a ring-like structure in earthworm that contains male and female sex organs, hence they are called हर्माफ्रोडाइट और मोनोएशियस। तो ये मोनोएशियस होते हैं, इनमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक में ही
होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग नहीं होते, एक ही अथवा में होता है। इसमें भी पैरापोडिया आप देख रहे हैं, नीचे छोटे छोटे पैर हैं, जिनको कि सब्सिडियरी लेग्स भी कहा जा सकता है। थ्रू आउट देयर बॉडी देयर आर सब्सिडियरी लेग्स और पैरापोडिया प्रेजेंट बाय विच इट इज मूविंग अहेड। तो नेविस हो गया, लीच हो गया, देयर आर लाइक नेफ्रॉन, देयर आर नेफ्रिडिया, ये क्या कहते हैं, अपनी बॉडी को मॉइस्ट करते हैं और उसी से एक्सक्रीशन करते हैं। देखो फेरेटिमा कहते हैं। नाउ वी विल कम टू द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो अगला आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में 66% जितने भी टोटल एनिमल किंगडम के 66% है वो आर्थ्रोपोडा में आएंगे। एंड वी विल सी दिस आर्थ्रोपोडा इन नेक्स्ट क्लास। सो फॉर दिस क्लास ओनली दिस मच इज देयर। थैंक यू।